नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार में 17 निकाय चुनावों के नतीजे अब लगभग आ चुके हैं। कुछ सीटों की यदि हम बात छोड़ दें तो, लेकिन हम बात कर रहे हैं बेतिया की, जहां पर गजब का उलटफेर देखने को मिला है, गजब का नतीजा यहां पर देखने को मिला है। बेतिया से कुछ दिन पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी। खबर यह थी कि अक्षरा सिंह मुंह छुपाकर नंगे पांव स्कूटी पर सवार होकर भागती नजर आती है। दरअसल भाग तो इसलिए रही थी ताकि वो अपने फैंस से बच सके, लेकिन खबर यह है कि अक्षरा सिंह इस चुनाव में वहां प्रत्याशी के लिए प्रचार करने गई थी और दूसरी ओर दूसरे प्रत्याशी के लिए प्रचार करने गए थे खेसारी लाल यादव, जो कि ट्रेंडिंग स्टार कहे जाते हैं भोजपुरी सिनेमा के। इस बात का जिक्र हम इसलिए भी कर रहे हैं ताकि पता चल सके कि किसके फैंस में कितना दम रहा और किसने किसको हार और जीत का मजा चखाया है। दरअसल अब बेतिया के हम नतीजों की बात कर लेते हैं तो मेयर पद पर गरिमा देवी शिकारिया की जीत हुई है। इन्होंने चुनाव जीत लिया है और इनके प्रचार में अक्षरा सिंह और गोलू राजा गए थे। रोड शो की तस्वीरें भी आपने सोशल मीडिया पर देखी थी। अक्षरा सिंह को देखने के लिए इस दौरान इतनी भीड़ जुट गई कि भीड़ बेकाबू हो गई और बेकाबू भीड़ को देखते हुए अक्षरा सिंह को स्कूटी पर सवार होकर प्रत्याशी के पति के साथ वहां से मुंह छुपाकर भागना पड़ा। उन्हें चप्पल पहनने तक की भी मोहलत नहीं मिली। अब बात कर लेते हैं सुरभि घई की। जो सुरभि घई की हम बात कर रहे हैं तो ये बिहार की पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी की बहू हैं। यहां पर प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी, यहां पर सियासी समीकरण भी सेट किए जा रहे थे निगम के चुनाव में, लेकिन अब सुरभि घई यहां से चुनाव हार चुकी हैं और सुरभि घई के प्रचार प्रसार में गए थे ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव। और जब खेसारी लाल यादव बेतिया में गए थे तो उस दौरान भी काफी भीड़ जुटी थी और ये कहा जा रहा था कि खेसारी लाल यादव ने आकर सुरभि घई को जिता दिया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सुरभि घई चुनाव यहां से हार गई है। अब हम आपको हार और जीत का अंतर समझाते हैं, कौन कितने वोटों से हारा है। देखिए, गरिमा देवी को 73,748 वोट मिले हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं 73,000 काफी वोट होते हैं। और सुरभि घई को हम की बात कर लेते हैं तो इन्हें 10,123 वोट मिले हैं। मतलब आप मार्जिन लगा लीजिए कितने का होगा, मतलब भारी अंतर से, बड़े अंतर से जो है यहां पर सुरभि घई हार गई है चुनाव। और कह सकते हैं कि अक्षरा सिंह जो हैं वो खेसारी लाल यादव पर भारी पड़ी हैं। चुनाव प्रचार में दोनों ने ही अपने अपने प्रत्याशी के पक्ष में जनसभाएं की, यहां पर रोड शो किया, लोगों को लुभाने की कोशिश की और खुलकर अपने प्रत्याशी के नाम पर वोट मांगते नजर आए थे। तो ये चुनाव कहीं ना कहीं भोजपुरी एंगल ले रहा था, भोजपुरी सुपर स्टार्स की लड़ाई, ये नगर निगम का चुनाव हो गया था वहां पर, बेतिया की हम बात कर रहे हैं। लेकिन वहां पर अक्षरा सिंह की जीत हो गई एक तरह से कहें तो। उन्होंने प्रचार किया था गरिमा देवी के में, तो गरिमा देवी अब जीत चुकी है, लेकिन खेसारी लाल यादव का आना यहां पर उनके लिए ठीक नहीं रहा जो चुनाव हार गई हैं। हम सुरभि घई की बात कर रहे हैं, मेयर पद का चुनाव ये हार गई हैं। तो अब ऐसे में बेतिया ही नहीं, तमाम जगहों से अपडेट निकलकर सामने आ रहे हैं, तमाम जगहों से अब नतीजों की बारी है, नतीजे निकलकर सामने आने लगे हैं। इंतजार है पटना के नतीजों पर भी कि यहां पर क्या कुछ होता है। अफजल इमाम की पत्नी और यहां सीता साहू के बीच में लड़ाई कांटे की चल रही है, लेकिन हार जीत किसकी होती है ये भी वक्त की बात है और घंटे दर घंटे रह गए हैं, कह सकते हैं कि अब मिनट और घंटों की बात चल रही है, कभी भी नतीजे आ सकते हैं। तो बेतिया में बड़ा उलटफेर हुआ है। बेतिया में जिस तरह से अंदाजा लगाया जा रहा था कि यहां लड़ाई काटे की होगी, लेकिन यहां लड़ाई एकदम एकतरफा हो गई। ना खेसारी लाल काम आए, ना खेसारी लाल यादव के फैन फॉलोइंग काम आई और ना ही खेसारी लाल यादव की बातों को यहां पर ऐसा लगता है किसी ने सुना है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।